हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोडिंग करना अब बच्चों का खेल है। इस वीडियो सीरीज में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का ये पांचवा वीडियो लेक्चर है। पाइथन हो या कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के फंडामेंटल्स एक जैसे होते हैं। फंडामेंटल्स में आज हम बात करते हैं वैल्यूज और वेरिएबल्स की। वैल्यूज अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। वैल्यू जैसे कि एज इज इक्वल्स टू 13 और किलोमीटर इज इक्वल्स टू 36, इनको इंटीजर वैल्यू कहते हैं। वैल्यू जैसे कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 94.33 या परसेंटेज इज इक्वल्स टू 96.99, इनको फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं। इनमें डेसिमल पॉइंट होता है। लेटर्स को अगर सिंगल या डबल कोट में लिखा जाए तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया, माई हॉबी इज इक्वल्स टू टीचिंग। आज का हमारा दूसरा फंडामेंटल कंसेप्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कंप्यूटर की मेमोरी में एक रिजर्व जगह बना लेता है, जिसको हम एक नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल्स टू फिरदौस, एज इज इक्वल्स टू 13। इसमें नेम एक वेरिएबल है और फिरदौस एक स्ट्रिंग वैल्यू, जबकि एज एक दूसरा वेरिएबल है और 13 एक इंटीजर वैल्यू है। वेरिएबल नेम में लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर शामिल कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। हम इस वीडियो लेक्चर में कोडिंग पाइथन शेल में करेंगे, लेकिन आपके पास पीसी नहीं है तो आप ये कोडिंग एंड्रॉइड मोबाइल में भी कर सकते हैं, जो हम लेक्चर नंबर 4 में बता चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट में टाइप करें पाइथन और इस ऐप पर क्लिक करें। अब हम वेरिएबल्स बनाते हैं। var underscore 1 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50 है। एज इज इक्वल टू 13 एक वेरिएबल है। नेम इज इक्वल टू फिरदौस एक स्ट्रिंग है। नेमिंग रूल्स कहते हैं कि डिजिट से वेरिएबल नेम नहीं स्टार्ट होता, जैसे कि हमने सिटी इज इक्वल टू बेंगलोर के नाम से वेरिएबल बनाने की कोशिश करी तो सिंटैक्स एरर मिला। याद रखें, इक्वल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हम यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यह वेरिएबल बनाने के काम आता है। हम इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? Why? Because इसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज होती रहती है। आइए प्रैक्टिकली कोडिंग से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में हम एक वेरिएबल x बना रहे हैं, जिसकी वैल्यू 10 है। स्टेटमेंट 2 इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है। स्टेटमेंट 3 में इसकी वैल्यू 12 प्रिंट हो रही है। कोडिंग में वेरिएबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने
करने, इसे मैनिपुलेट करने में मदद करता है। क्या आप पाइथन कोडिंग नॉलेज टेस्ट करना चाहेंगे? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पिछले 4 वीडियोस में जो कुछ सीखा उस पाइथन नॉलेज क्विज को जरूर टेस्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा वैल्यूज और वेरिएबल्स क्या होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपकी समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर।